हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो एक्शन और इमोशंस से पैक्ड है। सिंपल स्टोरी होने के बावजूद भी यहाँ पर मैसेजेस इतने डीपली एम्बेडेड हैं कि हम तक आसानी से कन्वे हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल मूवी की, जो लगभग 2.25 घंटे लंबी है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, इनसे हमारी पुरानी जान पहचान है, ये आज के नहीं हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की मूवी आती है तो हमारी कुछ चेकलिस्ट होती है, जैसे ये फन होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, डायलॉग्स बहुत और सरकास्टिक होने चाहिए, एक्शन सीक्वेंस मास्टर लेवल का होना चाहिए, क्रिएटिविटी भी इसमें कुछ ऐसी हो जो हम पहले ना देख चुके हों, यानी जिस तरीके से कलर पैलेट यहाँ पर यूज़ किया गया है, और स्टोरी इतनी ज़्यादा घुमावदार होनी चाहिए जिससे हमारा दिमाग का दही बन जाए, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो। तो मैं ये कहूँगी, हाँ, जो आपकी चेकलिस्ट है उसमें सारी चीज़ें तो टिक नहीं होने वाली हैं, लेकिन स्टोरी को छोड़कर बाकी सारी जो आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी। यहाँ पर स्टोरी थोड़ी सिंपल ही रखी गई है, शायद बच्चों से भी कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो स्टोरी है ना, वो इस समय जो टाइम एंड एरा में चीज़ें चल रही हैं जिसमें हर इंसान अपने आप को एक्सेप्ट कराना चाहता है, नो जजमेंट वाली पॉलिसी पर चलते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी रखे हुए हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो ऐसे में इस कहानी का रेलेवेंस और बढ़ जाता है। ये एक मैसेज की तरह भी होगा सोसाइटी से कि बिना क्लैश किए हुए किस तरीके से अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव कर ओपन माइंड होकर जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको बिना डेंजरस या अगली समझे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है। बाकी पूरी मूवी को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नहीं आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। सो वाउ दिस टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 म्यूटेंट टर्टल्स हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, वहाँ जाकर रहना चाहते हैं, इनफैक्ट स्कूल लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो गार्डियन रैट हैं जो कि एक म्यूटेंट हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस को लेकर अच्छे नहीं हैं, और यही कहानियाँ वो इन टर्टल्स को बार बार सुनाते रहते हैं कि अगर तुम गए ह्यूमंस के पास, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी तो वो तुम्हारी मिल्किंग कर लेंगे। और ये जो वर्ड है इसे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कहानी में बार बार आता है, ये एज अ जोक एज अ सरकैज़्म यूज़ किया जाता है, एक सीन भी आता है प्रॉपर इस वर्ड को लेकर, जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो कहानियाँ हैं इन टर्टल्स को ह्यूमन से फैसिनेट होने के लिए नहीं रोक पाती हैं, जिसकी वजह से एक अप्रैल नाम की लड़की से इन टर्टल्स का कॉन्टैक्ट होता है, और दोनों मिलकर एक हीरोइक एक्टिविटी पर जाते हैं कि अगर कोई हीरो वाला काम करेंगे तो इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लोग इनकी प्रेज़ करेंगे। इन्हें सुपर फ्लाई को पकड़ना होता है। अब सुपर फ्लाई के कॉन्टैक्ट में जब ये आते हैं तो पता चलता है अरे ये तो हमारे ही जैसे दूसरे म्यूटेंट हैं, और उनके अल्टीरियर मोटिव के बारे में पता चलता है, उनसे कनेक्ट भी हो जाते हैं। धीरे धीरे कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, जबकि दूसरी तरफ एज ऑलवेज ह्यूमंस कहाँ जो बैठने वाले हैं वो भी कुछ ग्रुप में है, साइंटिस्ट के ग्रुप में, जो इन म्यूटेंट्स को वेपनाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये जो विलेन म्यूटेंट्स हैं इनके भी कुछ अल्टीरियर मोटिव हैं ह्यूमन रेस को लेकर। सो इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती रहती है, मज़ा आती है देखने में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, स्टिल इंटरेस्टिंग है। सो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ दिस मूवी विल बी इट्स अ म्यूजिक, नो डाउट इस मूवी का म्यूजिक इसे एक्सेप्शनल और वंडरफुल बनाता है। ट्रेंट रेज़नर का ये म्यूजिक है जो कि 9 इंच नेल्स बैंड को बिलोंग करते हैं। इनका काम आपने गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू, सोशल नेटवर्क, गॉन गर्ल जो डेविड फिंचर की मूवीज हैं आपने उनमें ज़रूर सुना होगा, बेहतरीन काम रहता है, ऑस्कर विनर हैं, और यहाँ पर भी आपको इनके बेहतरीन काम की झलक दिखने वाली है जो आपको अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंस देता रहता है। सेकंड पॉजिटिव दिस मूवी विल बी इट्स एनिमेशन क्वालिटी, जो वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जो कूफी एस्थेटिक्स है वो इस मूवी की जो एसेंस है उसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। स्पीड इतनी बढ़िया है कि एक के बाद एक सीन चेंज होते जाते हैं, जिससे जो कलर का एक्सपीरियंस है वो मज़ा दिला देता है, आप यहाँ पर क्रिएटिविटी को फील कर पाएंगे। थर्ड पॉजिटिव विल बी इट्स मैसेजेस, जो यहाँ पर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप और एक्सेप्टेंस के मैसेज दिए गए हैं वो आज के टाइम एंड एरा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लगते हैं। फोर्थ पॉजिटिव विल बी वॉइस एक्टिंग इज फैबुलस, एवरी कैरेक्टर इज डूइंग परफेक्ट जॉब हियर। इनफैक्ट जो 4 टर्टल्स हैं उनकी आवाज़ें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो रियल किड्स हैं, और वो इस समय किस मूड में हैं आप आसानी से दी गई आवाज़ों से समझ जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको पॉल रड, जॉन सीना, जैकी चेन, इन सब की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं जो कैरेक्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंक्रो में जा रही हैं, तो मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। देन फिफ्थ पॉजिटिव विल बी, जो टीनेज साइकोलॉजी को यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश की गई है उसे काफ़ी हद तक किया भी गया है, और बहुत ही सटल वे में हम तक पहुँचाया गया है। सो अगर ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो पहला नेगेटिव हो जाएगा,
स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है मूवी की, जिसकी वजह से जो डायलॉग्स हैं उनमें जो विटनेस है, सरकाज्म है, कॉमेडी है, वो कहीं मिस हो जाता है। अगर आप सबटाइटल पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो स्पीड थोड़ी सी कम की जा सकती थी। सेकेंड नेगेटिव विल बी, यहाँ पर जो टीनेजर्स और बच्चों को ही, कम उम्र के बच्चों को फोकस में रखकर कहानी बनाई गई है, बहुत ज़्यादा डार्क टच नहीं दिया गया है या कॉम्प्लिकेट नहीं की गई है कि समझ में ना आए, बिल्कुल आसानी से चलने वाली मूवी लगती है, जिसे आप आसानी से आगे क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हल्का सा ड्रॉबैक लगा है जो इसकी सिंप्लिसिटी है स्टोरी की। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी अडल्ट सीन्स, गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी नहीं मिलने वाली है, सो बच्चों को भी आप इसे दिखा सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो मैं इसे दूंगी 9 out of 10। सो अगर आप ये मूवी देखते हैं तो मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि यू विल नॉट रिग्रेट एट ऑल आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी। दैट्स इट, बाय।